छेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। छेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। यार रिश्तो.com जी काउंसलिंग छा थी आहे? अच्छा तो बुधाए, को भी छोकरो या छोकरी रिश्तो.com जी वेबसाइट ते एक बे जो प्रोफाइल पसंद कन था एं जे गालण में हिचकिचाइन था तो रिश्तो.com हुनन जी मीटिंग कराए गाल बोल के अगे वधाइना एं जे गाल ठई तो शादी फिक्स। रिश्तो.com सिंधियन जो सिंधियन सा ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर उल्लासनगर के भीम कॉलोनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास परिसर का सुशोभीकरण करने का भूमि पूजन पूर्व महापौर लीलाबाई आशियान जी और नाना बागुल जी के हाथों से किया गया। परिसर में 25 लाख रुपये के निधि से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कैंप 4 के भीम कॉलोनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भीम अनुयायी रहते हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के पास के परिसर की दुर्व्यवस्था को देखते हुए स्थानिक रहवासियों ने पूर्व नगर सेवक अरुण आशियान को बताया। आशियान ने तुरंत मनपा प्रशासन से पत्र व्यवहार किया और सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये की निधि मंजूर की गई और 14 अक्टूबर धम्म चक्र परिवर्तन दिवस होने के कारण मौजूद गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर राजेश चांदपुर, मंगेश सरदार, संदीप सुरवे और बड़ी संख्या में वहाँ भीम अनुयायी भी मौजूद रहे। छत्रपति फुलेशव आंबेडकरी विचारान विनम्र अभिवादन। आज या ठिकाणी माननीय माजी महापौर लीलाताई आशियान, अरुणजी आशियान यांच्या प्रभागामध्ये 14 ऑक्टोबर या पवित्र दिनाचं औचित्य साधून, धम्मचक्र परिवर्तन दिनाचं औचित्य साधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या इथे सुशोभीकरणाचा भूमिपूजन आता संपन्न झाला। या कार्यक्रमासाठी चांदपूर, सुरवे, स्थानिक महिला, आमचे मंगेशदादा सरदार, सर्व बांधव भगिनी उपस्थित आहेत। अतिशय चांगलं काम या प्रभागामध्ये लीलाताई आशियान आणि अरुण आशियान यांच्या माध्यमातून संपन्न होतोय। मी या कामासाठी त्यांना शुभेच्छा देतो। धम्मचक्र परिवर्तन दिनाच्या संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या, आपल्या शहरातल्या नागरिकांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय भीम, जय महाराष्ट्र। किती खर्च होणार आहे, काय संकल्पना, काय नेमकं डेव्हलपमेंट होणार आहे? आता प्राथमिक तत्वावर लीलाताई आशियान यांनी 25 लाख मंजूर करून घेतलेले आहेत। भविष्यामध्ये याला अजून खर्च लागला तर अजूनही खर्च महापालिकेच्या वतीनं माननीय या मतदारसंघाचे खासदार श्रीकांतजी शिंदे यांच्या वतीनं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलंय, खर्च अजून लागला तर तो खर्च मंजूर करून देण्यात येईल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।